3 जून को शनि जयंती मनाई जा रही है, यानी कि आज सूर्य पुत्र शनि देव सभी ग्रहों में निष्पक्ष, न्यायकारी और सबसे ज्यादा खतरनाक ग्रह माना जाता है। शनि देव गलत कार्य करने वालों से हमेशा नाराज रहते हैं, उन्हें कठोर दंड भी देते हैं, उनका जीवन मुश्किलों में भर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि शनि जयंती के दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें गलती से भी नहीं करना चाहिए। अगर भूल से भी आपसे ये गलती हो जाती है तो आप कंगाल भी हो सकते हैं। भगवान शनि देव की जयंती इस साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर 3 जून को रोहिणी नक्षत्र सुक्रमा योग में मनाई जाएगी। शनि से जुड़े दोषों को दूर करने और उनकी कृपा पाने के लिए यह दिन काफी शुभ होता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने पर शनि देव अपने भक्तों पर विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है वह उपाय। शनि जयंती के दिन चांदी के आभूषण खरीदकर किसी को भी उपहार के रूप में नहीं देना चाहिए, ऐसा करने से व्यक्ति कर्जदार बन जाता है। शनि जयंती के दिन सफेद मोती खरीदकर भेंट करने से यंत्रों से होने वाली दुर्घटना के योग बनने लगते हैं। शनि जयंती पर तांबे के बर्तनों का दान करने से व्यक्ति को व्यापार में घाटा भी होने लगता है। शनि जयंती के दिन चांदी, लोहे या फिर स्टील से बनी कैंची खरीदकर उपहार करने से रिश्तों में तनाव आने लगता है। शनि जयंती के दिन लाल रंग के कपड़े खरीदकर किसी को उपहार देने पर व्यक्ति की सामाजिक छवि खराब होने लगती है। शनि जयंती के दिन सफेद रंग के कपड़े खरीदकर गिफ्ट करने पर व्यक्ति की पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ता है। शनि जयंती के दिन चमेली का इत्र खरीदकर किसी को भेंट करने पर व्यक्ति अनेक रोगों से घिरने लगता है। शनि जयंती के दिन किसी दूसरे के जूते चप्पल नहीं पहनना चाहिए। शनि जयंती के दिन किसी को भी बिना वजह परेशान नहीं करना चाहिए और ना ही झूठ बोलकर अपने कार्य सिद्ध करना चाहिए। ज्योतिषी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति एक अच्छा जीवन जीता है तो उसको जीवन में 3 बार शनि की दशा से गुजरना पड़ता है। पहली बार शनि व्यक्ति के साथ खेलता है, दूसरी बार उसकी जिंदगी में भूचाल सा लाता है और तीसरी बार उसके सारे धन दौलत को नष्ट कर देता है। यही कारण है कि लोग शनि को शांत रखने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।